हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आए हैं, अब देखेंगे शाहरुख खान की मूवी जवान का ट्रेलर। तो उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें कैसी लगी। जब तक हम देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको कैसी लगी, ठीक है? तो ये जवान मूवी है, इसका है ऑफिशियल, ये क्या लिखा है, ऑफिशियल हिंदी प्रीव्यू प्रीव्यू। ये प्रीव्यू के स्पेलिंग कब से चेंज हुए भैया जी? ये कोई नया फैशन है क्या? शाहरुख खान और विजय दीपिका, सेतुपति, अच्छा दीपिका भी है इसमें क्या? अच्छा, अनिरुद्ध बड़े बड़े सारे देते लोग हैं यार। तो चलो शुरू करते हैं, आप देखते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ट्रेलर तो देख लिया, अब भाई दिल धाम के बैठो। फ्रैंक रिव्यू दूंगी मैं अपना। मैंने हमने कोई एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया है ना, हम और हमने कईयों के रिव्यूज जो बहुत ही पॉजिटिव हैं वो भी सुन लिए हैं, पर हमारा मेरा तो होगा बिल्कुल फ्रैंक धड़ाके का बकवास। बकवास क्यों? मतलब क्वालिटी, जैसे साउंड क्वालिटी वो सब तो बिल्कुल जैसे थिएटर में बैठ के देखने वाली वो ऐसी थी। मैं जो स्टोरी है वो बकवास, और शाहरुख खान का जितना भी पार्ट देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे कचरा मुझे, देखो एक था नॉर्मल शाहरुख खान का लुक, जिसमें वो मेरे को ऐसे लग रहा है कोई गाने का इंट्रोडक्शन हो रहा था, जिसमें शाहरुख खान था, ही इज़ लुकिंग टू ओल्ड, बहुत पतला, टू ओल्ड। फिर दूसरी जगह पे जब ये मास्क वाला लुक दिया, वो मैंने वो जो दूसरी वीडियो में भी बोला था, वो तो मुझे बहुत ही कचरा लगा। उसके बाद जो पट्टी उतार के जो विलन बन के किया, वो तो वो मास्क वाला भी लुक लग रहा था विलन ही लगा है। मुझे जैसे डायलॉग बोला मुझे लगा ये भी शायद विलन ही है, पर जब वो उतारी पट्टी और वो दूसरा लुक दिया जो गंजे वाला लुक था, वो भी बहुत बकवास। और उसके बाद मैं बताऊँ बोलूँगी कि जो ट्रेन में इन्होंने जो येलो कपड़ों में ऐसे लग रहा है, वो कुछ डायलॉग भी बोला था आर यू रेडी गर्ल्स या कुछ, क्या बकवास लड़कियां, वो ऐसे लग रहा था नौटंकी चल रही है कोई। मतलब करेक्टर्स जो लड़कियां रखी थी और जिस तरह से वो इनैक्ट कर रहे थे, वो ऐसे लग रहा था पता नहीं किसको उठा के ले आए हैं। फिर उसके बाद जब ये डांस कर रहा था शाहरुख का गंजा ट्रेन के अंदर, इतना स्टूपिड लग रहा था। और जो वहां पे ट्रेन में बैठे हुए थे जो पैसेंजर्स थे, जो उसके बाद एक्ट करते जैसे ये डरे हुए हैं, वो भी पूरी नौटंकी लगी थी। मतलब वो जो कॉल, करेगा हाँ, पर वो जो डर था वो ओरिजिनल डर नहीं, वो साफ लगा था ये एक्टिंग हो रही है। और पीछे जो दो येलो कपड़ों में लड़कियां सी रखी हुई थी, वो भी बेकार सी। साइड करेक्टर्स ऐसे लगे जो भी अभी तक मैंने देखा, वो सब बकवास। दे वर नॉट अप टू द कैलिबर जो अगर मूवी में लगे, नॉट, मतलब लग रहा था नकली एक्टिंग हो रही है, नकली है, साफ लग रहा था राइट। एक्टिंग। देखिए मैं यही कहूंगा कि इतनी मजेदार मूवी नहीं लग रही स्टोरी है। पता ही नहीं चली मुझे। इतना नजर आ रहा था कि ये सदर्न इंडिया की मूवी स्टाइल में बनी है, हाँ बिल्कुल, वो मैं बोलना भूल गई। बिल्कुल ऐसे लग तो रहा है कि उनको ये लगा है कि साउथ इंडिया की मूवीज अब हिट हो करेक्ट रही हैं तो उसी तरह से बनाएं। वही वो कई जगह पे वो पैर मार के, और क्या स्टुपिड सा डायलॉग वो शाहरुख खान का, भैया जो अब पता कौन हूँ मैं, ये हूँ वो राइट। है, बस हो गया देखिए यार, खत्म करो उसको। नॉर्मली मुझे तो मूवी अच्छी नहीं लगी है, ट्रेलर देख के ट्रेलर ही नहीं मुझे भी नहीं लगा, लगी, बकवास ट्रेलर था। बकवास था, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। सदर्न इंडिया स्टाइल में बनी है, दैट डजंट हाँ मीन कि बुरा है, मगर सदर्न हाँ इंडिया स्टाइल नजर आ रहा है आपको, सादर उससे नहीं, वो थोड़े बुरी नहीं, सेट्स उनको ये भी लगा कि उससे हमारी हिट हो जाएगी। उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो स्टोरी भी कुछ होनी चाहिए, या पसंद भी आनी चाहिए। नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं, हो सकता है उनको वो स्टाइल ना नजर ना आए। हाँ फिर जो है सेट्स नॉर्मल लग रहे, रोड बीच में दिखाए थे, बड़ी अजीब सी रोड लग रही थी, बोगस सेट लग रहा था। सेट्स की क्वालिटी गंदी थी। डायलॉग डिलीवरी इतनी मजेदार नहीं थी, टिपिकल एक्शन इतना मजेदार नहीं था। तो शाहरुख खान इज नॉट लास्ट एन एक्शन में हीरो, उसको वो जबरदस्ती एक्शन हीरो बन रहा ऐसे ही है, पहना दिया, अंगूठी पहना दिए, कर हाँ दिया वो कर शेर दिया, वाली। मुंह में लगा दिया। अगर आपने जिंदगी में, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर आपने जिंदगी में कभी भी हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखी तो आप बोलेंगे बड़ी अच्छी है, मगर अगर आपने जिंदगी में हॉलीवुड की मूवीज देखी है तो आप बोलेंगे बोगस है, दिस नथिंग न्यू इन इट। अलग सी ऐसे बना हजार बार ना। देखी हुई चीजें, कोई इतना आजकल तो आउट ऑफ द हॉलीवुड की ऑर्डिनरी नजर नहीं मूवी आ भी रहा। फ्लॉप होती है बिकॉज ऑफ द वे दे आर मेकिंग इट, उनकी क्वालिटी आप भी डाउन जा रही है, तुम उनको कॉपी कर हॉलीवुड रहे हो। मूवीज के ट्रेलर्स देखिए, मिशन इम्पॉसिबल आने वाली है उसको हाँ देखिए, आप वाव करते हैं उनको देखकर। यहाँ पे देखिए कोई वाव फैक्टर नहीं है। अगर आपका लो लो लेवल की मतलब क्वालिटी अगर थी आप उसमें। में इतना एक्सपोजर नहीं है आपको हॉलीवुड मूवीज का तो बात अलग है, बट अदरवाइज
मैं तो यही कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली कि इतनी मजेदार नहीं लग रही है। नहीं, ये सिर्फ सिर्फ शाहरुख खान के नाम से बेचने की कोशिश हो रही है, उसी को फोकस किया हुआ है और इसमें कोई मतलब स्टोरी कुछ समझ में आ रही है इसमें? तो इसको देख के तो लग रहा है बंदा पागल हो जाएगा, ऐसी मतलब गंद दिख रहा था, ईवलनेस ही दिखी जा रही थी, कुछ अच्छाई कुछ अच्छा दिखाई नहीं। मतलब एटलीस्ट ट्रेलर को देख के ऐसे लगे कि अगर हम बैठ के देखेंगे तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। अब वो जो सीन था जिसमें ये शाहरुख खान पट्टियों के साथ ट्रेन के अंदर एंटर करता है, अरे इतने गंदे कपड़े पट्टियों के साथ कोई एंटर कर रहा है नॉर्मल ट्रेन के अंदर और कोई लोगों में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, वो अंदर चला जाता है, फिर वो वहां पे पट्टी भी उतार देता है और वो डांस भी कर रहा है, हाईजैक कर ली क्या उसने ट्रेन, ऐसे ही लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया। इतना ईवलनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल के टाइम में, वो सोच रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं ना जोकर वोकर बनाने की कोशिश, जोकर जैसे डांस कर रहा था वहां जोकर डांस करने लग गया, गाते हुए डांस कर रहा है, बोल रहा गाना है। गा दिया भैया वो समझ ही नहीं आया क्या चल क्या रहा है। और जो मास्क था वो भी इतना मजेदार मास्क नहीं लग रहा था, वाज नॉट गुड क्वालिटी। मास्क के बाद जो ऐसे जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो भी मुझे अजीब से लग रहे थे थोड़े, तो काफी मतलब ये मुझे तो एक्चुअली नहीं लगी है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्टर बहुत एस्टैब्लिश्ड है नहीं एस्टैब्लिश्ड। मैं तो काम देखता हूँ कि अगर किसी की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया होगी, चाहे वो फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहा हो, मैं बोलूँगा ग्रेट है, डिपेंड्स अपॉन कैसे एक्टिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर कहा जाएगा ब्यूटिफुल है ग्रेट है क्योंकि है। या वो बहुत बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी करोड़ों के मतलब फॉलोइंग होगी उसमें SRK के फैंस की, मगर फैंस को भी ओपन माइंड से देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप किसी एक्टर के फ़ैन हैं इसका मतलब ये नहीं है गारंटी बोले हाँ जी उसकी हर मूवी अच्छी है। आपको थोड़ा अपना भी इंटेलेक्ट यूज़ करके देखना चाहिए कि आपको ये इन कंपैरिजन टू जो आपको एक्सपोजर है, अगर आप इसीलिए मैं कहा था अगर हॉलीवुड से एक्सपोजर है तो खाली हॉलीवुड ही नहीं हमारी बॉलीवुड भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाता है जिसको देख के हमको लगता है वाओ क्या मूवी बनाई है, हिस्ट्री में भी कितनी बनाई है। मैं को उसमें बोलूंगी इंग्लिश विंग्लिश, आप लोग आप में से एक सजेस्ट कर रहे थे मुझे कि मैम इंग्लिश विंग्लिश देखो, मैंने कहा भैया इंग्लिश विंग्लिश का तो ट्रेलर देखते ही मैंने हस्बैंड को कहा था ये तो मैंने फर्स्ट डे जाके देखनी है जैसी रिलीज होती है, और मैं गई थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी इंग्लिश विंग्लिश तो हां वो तो पुरानी मूवी है। वैसे मैं बता रही हूं कई ऐसी मूवीज होती हैं जो आप देखते ही बोलते हो, हम लोग खाली मैं इंग्लिश विंग्लिश का इसलिए जो है बता रही हूँ वो यूज कर रही हूँ मूवी का क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कश्मीर फाइल्स या मैं बोलूंगी केरला स्टोरीज इस टाइप से तो आप बोलोगे नहीं वो तो उस टाइप से, तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि खाली उस टाइप की ही मूवीज नहीं एक्चुअल नॉर्मल मूवीज भी जो होती है बहुत ब्यूटीफुल मूवीज भी होती हैं वो उसकी एक एग्जांपल इंग्लिश विंग्लिश भी है। अब इसके अंदर खाली ट्रेलर के अब अगर कुछ और बड़ा ट्रेलर बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें लगा कि हाँ वाकई जो हम सोच रहे हैं स्टोरी इससे बिल्कुल अलग है या इसमें वाकई कुछ दम वाली अभी जो है, देखा था ट्रेलर के अंदर तो बहुत ही बेवकूफ बना रहे हैं, बस एक्शन डाल दिया है। मेनली मेरा यही मैं फिर से बताऊंगी कि शाहरुख खान चला था ही वॉज अ हिट बिकॉज ऑफ द चॉकलेट हीरो लवर लव एज अ लवर बॉय रोमांटिक मूवीज से, पर अब क्योंकि वो एज से अब वो उस टाइप की मूवीज अब नहीं कर सकते हैं सो ही इज नाउ गोइंग टूवर्ड्स एक्शन, बट उसका शाहरुख खान का है चाहे आपको बुरा लगे उसकी बॉडी उसके लुक्स आर नॉट फॉर एन एक्शन हीरो, तो ही नीड्स टू थिंक कि आपको बार बार वो अगर आप पठान देखो तो उसमें भी एक्शन का करके कोशिश की, इसमें भी एक्शन करने की कोशिश की, अब इसमें विलन का भी किया है, अब देखो भैया विलन का कैसा रोल है, मुझे तो विलन में देखिए मैं तो यही बोलूंगा साउथ इंडियन स्टाइल से बनाई है मूवी, इट इज़ पॉसिबल कि लोग तमिल और तेलुगु में शायद सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि उनको फेमिलियरिटी नजर आएगी, अच्छा तो ऐसी ही हमारी मूवीज बनती है। आपको जस्ट बिकॉज साउथ की मूवीज इंडिया में पसंद हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप साउथ के उसी को यूज करके अपनी बनाने की कोशिश करो और आपको लगेगा कि वो हिट होगी, इट हैज टू हैव स्टोरी। साउथ की मूवीज इसलिए नहीं हिट हो रही क्योंकि वो साउथ स्टाइल में बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें दम होता है, उसमें स्टोरी होती है, उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे पब्लिक जो है वो उसको पसंद कर रही है, आप उसकी कॉपी कर लो और स्टोरी कुछ है नहीं और आप बस पूरा फोकस शाहरुख खान में डाल रहे हो और आसपास के सारे एक्टर्स जो है क्या लिए हुए थे, मैं तो हैरान हो रही। बेसिकली ये कह रहे हैं कि
जस्ट बिकॉज कोई मूवी साउथ इंडियन स्टाइल से बनी है उसकी वजह से हिट नहीं होती, उसमें कंटेंट होता है, उसमें स्टोरी लाइन होती है, उसमें आप अच्छा कैरेक्टर दिखाते हैं, उसमें आप अपने मतलब इंडिया का कल्चर दिखाते हैं, आप बाकी मूवियों से एक चीज कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होता है जिस वजह से वो चलती है, वो नई नई चीजें बनाते हैं, वो सेम ओल्ड रूटीन बनाएंगे तो उनकी भी फ्लॉप हो जाएगी। हर मूवी जो हर बंदा बना रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, स्टोरी डिफरेंट होती है, वो फाइटिंग्स डिफरेंट होती है, हर चीज उसमें वो डिफरेंट करते हैं। आप सोच लो कि वो हमारी तो फ्लॉप जा रही है, अब हम उनको लोगों को बुला लेते हैं, उनके एक्टर्स कुछ बुला लेंगे, उनके डायरेक्टर्स या उनके जो बना रहे हैं उनकी उनको बोलेंगे कि आप हमारी मूवी डायरेक्ट कर दो, उस टाइप से बनाएंगे तो हम हिट हो जाएंगे, तो वो तो चलेगा नहीं। वही टिपिकल पैर दिखा दिया जी, पता नहीं कोई दादा आ रहा है पैर मार रहा है, 10 बारी जूते दिखा दिए मारते हुए, और भैया मैं आ रहा हूँ, कौन सुपर ह्यूमन मत दिखाओ। देखो कई लोगों ने बोला है इस मूवी में सुपर ह्यूमन है स्पाइडरमैन, अरे भैया जो स्पाइडरमैन थी उसका अजम्पशन था कि उसमें स्पाइडर पावर्स हैं, इसे बताते हैं ये कैसे आया, उन्होंने दिखाया भी था कि कैसे स्पाइडर से, अगर आप बोले भाई स्पाइडरमैन में सुपर पावर्स हैं, हाँ वो तो आपने बनाया ही अजम्पशन से है कि ही इज पावर्स ऑफ अ स्पाइडर, मगर यहाँ पे ह्यूमन बींग को तुमने दिखाया था कि बचपन में कोई भगवानों से बूंद दे के चले गए या ऐसे कुछ करके देखे उसमें शक्ति आ गई, कैसे बैठे बैठे आ गई। मतलब अगर तो कोई भी इंसान जो भी मार्शल आर्ट्स करता है उसको बोला जा भैया दिन रात अगर तू 200 डंड भी मारता है तो भी ऐसे करके किसी को फेंक नहीं पाएगा, ये रियलिटी है। नहीं, और साथ में अगर आप सुपर हीरो भी बना रहे हो उसमें वो मूवीज तब हिट होती है क्योंकि उसमें आपको लगता है कि हाँ वाकई ये पॉसिबल है, उसमें कुछ ऐसा वो दिखाते हैं जिससे पब्लिक को लगता है हाँ ये सच्चाई टाइप लग रही है, ऐसा हो सकता है। हाँ, पर इन मूवीज में कई बार ऐसी मूवीज आती है जिसमें वो दिखा देते सुपर पावर्स है पर भैया वो लगता ही फेक है। अब आप इस मूवी के अंदर शाहरुख खान को बोलोगे मुक्का मार वो उड़ जाए तो फेक तो लगेगा, जिसकी बॉडी वैसी है ही नहीं। Correct. अभी आपने उस देखना वो जो नॉर्मल शाहरुख खान की लुक है विदाउट मास्क वाला एक सीन खाली आया था, क्या उससे लग रहा था उस बॉडी से या कुछ से कि ही कैन फाइट या कुछ उस टाइप से, वो उसकी बॉडी अक्षय कुमार की बॉडी इज द बॉडी जो फाइट करती है, तो कई मतलब डिफरेंट एक्टर्स प्ले कैन ओनली प्ले सर्टन डिफरेंट रोल्स, कई लिमिटेशंस होती हैं, तो वही बात है। पर एनीवे हो सकता है ट्रेलर अभी और कुछ आए तो हमारा आइडिया बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि हम तो सिर्फ जो देखा है उसके ऊपर से बोल रहे हैं। तो अभी शेखर ने अपने थॉट्स, आई नो शाहरुख खान फैंस आर गोइंग टू बी यू नो वी आर रेडी फॉर इट, ओपन माइंड रखिए, चलिए हाँ हम वी आर रेडी फॉर इट बिकॉज हम तो अब फ्रैंक रिव्यू ही देंगे, चाहे जो होता है हो जाए, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।